जैसे ही मैं अरीना में एंटर हुआ तो वहाँ पर जो पहली नज़र थी वो मेरी इंडियन ओपोनेंट वेदांत अग्रवाल के ऊपर जब पड़ी तो मुझे वहाँ पर ही उसकी कॉन्फिडेंस लेवल देख कर मुझे आइडिया हो गया था कि ये टाइटल जो है एशियन टाइटल ये मैं पाकिस्तान के नाम करूँगा। जैसे ही फर्स्ट राउंड की बेल बजी तो मैं ओपोनेंट की तरफ बढ़ा, उसने मेरे ऊपर काफ़ी एग्रेसिव अटैक किया, जवाब में मैंने भी एग्रेसिव अटैक किया और फाइट जो है हम फर्स्ट राउंड में हमने काफ़ी एक दूसरे के ऊपर अटैक करते गए। उसके ऊपर एक हुक पड़ा फर्स्ट राउंड में जिसने उसको जो है शेक कर दिया। उसके बाद जो है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हुआ और मैं उस पर अटैक करता गया। चौथे राउंड में जो है वो रेफरी स्टॉपेज हो गया TKO, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा उसको इंजरीज आ चुकी थी तो रेफरी ने वहाँ पर ही फ़ाइट रुकवा दी। जैसे ही रेफरी ने फ़ाइट रुकवाई वहाँ पर मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, क्योंकि एशियन टाइटल जो है वो 14 अगस्त को पाकिस्तान के लिए मैं गिफ्ट करने लगा था। ये खुशी जो है मतलब मैं वो आपको बयान नहीं कर सकता। जैसे अभी मैं ABF हैवीवेट एशिया चैम्पियन बना हूँ, इसी तरह यूरोपियन हैवीवेट चैम्पियन होता है, और इसी तरह अमेरिका हैवीवेट चैम्पियन होता है, और इसी तरह अफ्रीकन हैवीवेट चैम्पियन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका मूव होता है वो वर्ल्ड एलिमिनेटर होता है। वर्ल्ड एलिमिनेटर को जब आप शिकस्त देते हैं उसके बाद जो है आप वर्ल्ड टाइटल को चैलेंज करते हैं, और वर्ल्ड टाइटल जो है वो टाइटल है जो पूरी दुनिया में एक होता है। तो इंशाल्लाह मैं उसी टाइटल के लिए बहुत जल्द चैलेंज करूँगा। जो मेरी बॉक्सिंग की जर्नी थी ये काफ़ी मतलब मैं सिंपल अल्फाज में कहूँगा कि दो फाइटर जब रिंग में लड़ रहे होते हैं तो लोगों को से भी लग रहा था कि एक जीत गया और एक हार गया, या जो विनर है वो चैम्पियन बन गया। लेकिन उसके पीछे जो आपको उनकी स्ट्रगल और उनकी जो मेहनत होती है, जैसे मैंने खुद ये चीज़ झीली है, मतलब एमेच्योर बॉक्सिंग में मैंने इतनी मुश्किल झीली हैं कि हम जब पाकिस्तान कैंप लगते थे तो हम ऐसी सी कमरों में रहते थे कि उसी कमरे में चूहे दौड़ रहे होते थे। और ये हकीकत है, स्पोर्ट्स बोर्ड कम्प्लेक्स में हम हमारी अक्सर कैंप रखते थे या कराची में। उसके अलावा जब हमारी 2017 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2017 में इंटर प्रोविंशियल गेम्स हो रही थी, उसमें मैं प्रॉपर किट में आया, मैंने वेट दिया, फाइट रिंग के पास आया, मुझे कहते हैं तैमूर वॉकओवर। क्यों? सिर्फ पर्सनल जेलसी की वजह से कि इस लड़के को हमने नहीं खिलवाना। मेरा बहुत दिल टूटा काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी जो हिम्मत नहीं आ रही, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी जो मुश्किलात थी उनका मुझे फल जो है ABF एशियन चैम्पियन की सूरत में मिला है, और इंशाल्लाह मैनी मोर टू कम। वर्ल्ड टाइटल को चैलेंज करना ये बहुत इजी काम नहीं है, इसमें काफ़ी मुश्किलात और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है वो पे करना होती हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड टाइटल को आप चैलेंज करते हैं तो उससे पहले लाखों डॉलर उसकी फ़ीस होती है वो आप पे करते हैं। जैसे अभी मैंने रिसेंटली ABF टाइटल खेला तो इसकी काफ़ी हज़ारों डॉलर में मैंने फ़ीस पे की है। मैं छोटा सा एक बात कहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है पूरी दुनिया में जो है वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग को प्रोटोकॉल देती है, मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है कि जो बॉक्सिंग है इसको हम प्रोटोकॉल दे दें, हमें गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी स्टोरी बताऊँगा, उज़्बेकिस्तान की नेशनल टीम से मैं मिला, उनको मैंने बोला कि आपको क्या फैसिलिटीज़ हैं अगर उज़्बेकिस्तान बॉक्सिंग में और रेसलिंग में और ओलंपिक काफ़ी गेमों में वो चैम्पियन बनते हैं। उन्होंने मुझे बोला, बड़े मज़े की बात बोली, उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती, वो सिर्फ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको बोल देती कि आपने इस गेम को सपोर्ट करना है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक टोयोटा कंपनी है जो उज़्बेकिस्तान में, उनको बोल देते हैं कि आपने बॉक्सिंग को सपोर्ट करना है, दूसरी प्राइवेट कंपनी को बोलना है आपने रेसलिंग को सपोर्ट करना है। तो उससे प्लेयर का भी फ़ायदा होता है, कंपनीज़ की भी एडवर्टाइजमेंट होती है, और मुल्क का भी जो है नाम रोशन होता है। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही अपील है कि वो इन चीज़ों को सीरियस ले, क्योंकि इस बार अगर दो कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल आए हैं तो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम में इंशाल्लाह जो है फर्स्ट पोजीशन आएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि क्रिकेट है या कोई और स्पोर्ट्स है, अच्छी बात है कि क्रिकेट पाकिस्तान में को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि इससे भी हमारा मुल्क का जो है नाम रोशन होता है पूरी दुनिया में। लेकिन क्रिकेट के साथ साथ जो है ये जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, जिस तरह हमारी राइवल कंट्री है इंडिया, वो क्रिकेट के साथ जो है बाकी स्पोर्ट्स को भी जो है ना प्रमोट कर रही है, तो इससे प्लेयर का तो फ़ायदा है, साथ में मुल्क का भी फ़ायदा है। तो मेरी तमाम जो है फेडरेशंस और तमाम गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो क्रिकेट पे जितना फोकस कर रहे हैं साथ में बाकी गेम्स पर भी इतना तवज्जो डालें, ताकि पाकिस्तान का जो है एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में बने।